विवादों में मेरी टीना डॉक्टर पातलीवार ने जड़ा थप्पड़, चक्रवात का आरोप, नागपुर जीवनदायी व अन्य सरकारी योजनाओं का पैसा पचाकर सरकार को चूना लगाने के मामले के बाद धंधौली स्थित मेरी टीना हॉस्पिटल शनिवार को एक नए विवाद में फंस गया, जब धोखाधड़ी के आरोपी डॉक्टर समीर पातलीवार ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले गणेश रामचंद्र चक्रवार को थप्पड़ जड़ दिया। मामला सीताबर्डी थाने तक पहुंचा और वहां से उन्हें कोर्ट जाने की सलाह दी। जानकारी के अनुसार चक्रवार का आरोप है कि दोपहर करीब 2 बजे हॉस्पिटल प्रबंधक और अन्य डॉक्टरों की मीटिंग जारी थी। मीटिंग के दौरान डॉक्टर पातलीवार उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे। यहाँ उनके बीच कई बार शाब्दिक विवाद भी हुआ था। मीटिंग समाप्त के बाद जब सभी बाहर कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर निकले तो एक बार फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई थी। ऐसे में डॉक्टर पातलीवार अपना आपा खो बैठे और उन्होंने चक्रवार को गाली गलौज करते हुए थप्पड़ जड़ दिया। इसी दौरान डॉक्टर पातलीवार की पत्नी सेक्रेटरी गंदेवार समेत कुछ बाउंसर भी मौजूद थे। ऐसे में चक्रवार एक बार फिर सीतामढ़ी थाने में डॉक्टर पातलीवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।